नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉय द्वारा अपनी जीपीए प्रोफाइल अपडेट करने की प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, एम्प्लॉय द्वारा अपनी जीपीए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हमें चलना होगा एसएसओ आईडी लॉगिन पर। तो चलिए एसएसओ पर लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, जीपीए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय को सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आकर एक वेब ब्राउजर में एसएसओ की वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार स्क्रीन दिखाई दे सकती है। आपको यहाँ मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना या चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को सर्च करना होगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। तो अभी हमें यहाँ पर क्विक सर्च में आकर आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना सर्च करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर AY लिखते हैं, आपके सामने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर तीन ऐप आपको शो होंगे, इनमें आपको थर्ड वाला यूज करना है जिसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर राइट साइड में आपका नाम और जीपीए प्रोफाइल लिखा हुआ मिलेगा। साथ में इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जीपीए प्रोफाइल, पुनः एसएसओ पर जाए या फिर लॉग आउट करें। और इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे डैशबोर्ड, और सेकंड ऑप्शन मिलेगा कर्मचारी विवरण, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रोफाइल देखें, प्रोफाइल अपडेट करें और जीपीए प्रस्ताव। सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ से हम एम्प्लॉई अपनी प्रोफाइल को देख सकता है। तो जैसे प्रोफाइल देखे पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉई की जीपीए प्रोफाइल की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें एम्प्लॉई की एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई का नाम, फादर, हस्बैंड नेम, डिपार्टमेंट, क्या वर्दीधारी हैं, ये डिटेल आएगी, पद, यूनिट, DDO नेम, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। इन डिटेल्स में अगर कोई फेरबदल है या कोई डिटेल गलत है तो आप अपने DDO की मदद से आप इन्हें अपडेट करवा सकते हैं। और इसके बाद नीचे सदस्य या नॉमिनी का विवरण मिलेगा, यहाँ से आप अपने GPA नॉमिनेशन की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे आपके SIPA पोर्टल पर रजिस्टर्ड डिटेल में, तो उनके सभी के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप नॉमिनी को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पर नॉमिनी जोड़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो डिटेल्स मांगी जा रही है इन पर इन्हें भरकर सहेजे पर क्लिक करेंगे तो वो नॉमिनी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर किसी फैमिली मेम्बर को आप हटाना चाहते हैं GPA नॉमिनेशन से तो यहाँ उनके नाम के सामने अंकित ये डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फैमिली मेम्बर GPA में से हट जाएगा, यानी उनका नाम यहाँ से कट जाएगा। अगर आप गलती से ये हटा देते हैं तो आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो ये वापस जुड़ जाएगा। खैर, ये थी प्रोसेस नॉमिनी ऐड करने की और डिलीट करने की। लेकिन अगर आप किसी फैमिली मेम्बर्स की जो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे नाम, मेम्बर ID, खाता संख्या, बैंक अकाउंट नेम, IFSC कोड, जन्मतिथि और एम्प्लॉय के साथ संबंध और शेयर परसेंट, तो इनको आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आप उनके नाम के सामने अंकित पेंसिल बटन पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स आप अपडेट कर पाएंगे। तो फिलहाल हम फैमिली मेंबर्स के जो GPA शेयर परसेंट है वो अपडेट करेंगे। तो मैं हमारे जो ये फैमिली मेंबर है इनको 100% शेयर देना चाहूँगा GPA का। तो शेयर परसेंट लिखने के बाद सहेजे पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आप देखेंगे कि उनके नाम के सामने 100% लिखा हुआ आ जाएगा शेयर परसेंट का। 100% करने के बाद में अगला काम होगा यहाँ पर रिफ्रेश
करना। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये मैसेज आएगा, आपका प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। ओके पर क्लिक कर दें। तो साथियों ये थी प्रोसेस फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को नॉमिनेशन में अपडेट करने की। इसके बाद में आपने यहाँ कर्मचारी विवरण में एक थर्ड ऑप्शन देखा होगा, जीपीए प्रस्ताव प्रपत्र। इसकी मदद से आप यहाँ से भी अपना जीपीए प्रपोजल भर सकते हैं। तो जीपीए प्रपोजल भरने के लिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस यहाँ पर आपको बीमा किस्त को सेलेक्ट करना होगा और 700, 1400 और 2100 की तीन श्रेणियाँ यहाँ पर चल रही है। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके नॉमिनी को शेयर अपडेट करके यहाँ टिक करके सत्यापित करें बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जीपीए प्रस्ताव पत्र भर दिया जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जीपीए प्रस्ताव पत्र यहाँ से न भरकर एसआईपीए पोर्टल पर जाकर ही भरे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो साथियों ये थी पूरी प्रोसेस जीपीए प्रोफाइल अपडेट करने की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।